वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने एक अपडेट लाए हैं, अपडेट नीट यूजी 2022 जो कि पेपर होने जा रहा है। तो उसमें जो है बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट में थी कि जैसा कि 2020 और 21 में जो है लेट सितंबर के बाद ही पेपर हुआ था, तो इस बार क्या डेट रहेगी। तो उनके लिए जो है ये सब ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आज जो है टाइम न्यूज़ ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर पे जो है एक न्यूज़ आई है एनडीए की तरफ से। एनडीए ने जो है वो शेड्यूल बताया हुआ है, अभी फ़िलहाल टेंटेटिव है, और उसमें जो है ये बताया हुआ है कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूज़पेपर ये जो कटिंग है, तो नीट यूजी ऑन जुलाई 17 जुलाई को नीट यूजी का बता रहे हैं, क्योंकि हेडलाइन में बताया हुआ है एनरोलमेंट फ्रॉम अप्रैल 2। अब देखना ये होगा कि अगर 2 अप्रैल को एनटीए ने जो है फॉर्म लेना शुरू किए, तो फिर जो है नीट यूजी जो है वो 17 जुलाई को होगा। तो अब 2 अप्रैल तक आप वेट करें, और 2 अप्रैल तक अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो उसके बाद ही जो है ये हम बता सकते हैं कि ये कंफर्म न्यूज़ है। फिलहाल गूगल पे भी मैंने सर्च किया था, तो गूगल पे भी अभी जो है न्यूज़ अपडेट हो रही है कि 2 अप्रैल से एनरोलमेंट स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन नीट की स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन जो है वो एज इट इज़ जैसे प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर नहीं, जैसा कि नीट जब से हो रहा है तब से जो है एनटीए की वेबसाइट से जो है आपको एनरोलमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करनी होगी। वो हम बाद में आपको पूरा बता देंगे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो फिलहाल नीट यूजी जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन तक यही इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि नीट एग्ज़ाम डेट जो आ चुकी है, तो इससे जो है वो अपनी प्रिपरेशन को जो है थोड़ा गियर अप कर सकते हैं, और ताकि जो है जल्दी उनका सिलेबस भी कवर हो, रिवीजन भी हो जाए, उसके अलावा फिर बाकी जो भी प्रिपरेशन होगी वो सारी उन होगी, और उसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी ज्वाइन कर लेते हैं तो उस हिसाब से जो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई स्टूडेंट जो है अभी मान के चलता है कि वो सितंबर में पेपर होगा, तो उसने जो है थोड़ा स्लो प्रिपरेशन रखी होगी, लेकिन अब जो है 17 जुलाई को बताया हुआ है, तो 17 जुलाई अभी फ़िलहाल 4 महीने बच रहे हैं, अप्रैल मई जून और जुलाई, 3 महीने, 3.5 महीने बच रहे हैं एग्ज़ाम डेट तक। तो हम जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उनको जो है ऑल द बेस्ट एडवांस में कह रहे हैं, और बाकी जो भी अपडेट आता है हम इसी चैनल पे जो है अपलोड करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी जो भी अपडेट इसके रिलेटेड आएगी